हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने XML के बारे में देखा था. व्हाट इज XML, हाउ XML एंड CSS गेट्स कनेक्टेड. इन दिस सेशन हम लोग देखने वाले हैं कि ईमेल कैसे हम हैंडल करेंगे थ्रू PHP के थ्रू. ओके, सो व्हाट इज मेल? मेल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजते हैं थ्रू बाय यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल. दैट इज नथिंग बट मेल. ओके, सो विल गो अहेड. ईमेल इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज अ फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनी मैसेज ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क लाइक इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर हम कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं बाय यूजिंग ईमेल, जिसमें आप टेक्स्ट, मीडिया, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, आप कोई भी ये कर सकते हो, कोई भी वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसमें. ओरिजिनली ईमेल वॉज अ टेक्स्ट ओनली कम्युनिकेशन मीडियम. आफ्टर इट वॉज एक्सटेंडेड टू कैरी मल्टी मीडिया कंटेंट्स एज अटैचमेंट कॉल्ड एज अ मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. बेसिकली ईमेल के थ्रू आप पहले ओनली टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते थे, लेकिन नाउ बाय यूजिंग MIME प्रोटोकॉल यू कैन सेंड ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स बाय यूजिंग ईमेल. Email is a client server based architecture where email server is a machine which accept, forward and deliver the storage of messages. Email जो है ये client server architecture है. अगर मैं email send कर रहा हूँ तो I am the email client, लेकिन मेरा email access करना, मेरा email destination पे पहुँचाना, मुझे वापस receive करके मुझे feedback देना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? Email server करता है वहाँ पे. So it is nothing but a email client and server architecture. So there are four protocols which are related with email. The first one is the SMTP protocol, that is a simple mail transfer protocol. Second one is a POP3, that is Post Office Protocol version 3. Third one is a IMAP4 protocol, that is Internet Mail Access Protocol version 4. And ODMR, that is a On Demand Mail Delivery Protocol. जिसमें SMTP protocol ये mail send करने के लिए use होता है. And second और third वाला जो है, that is a POP3 and IMAP4, ये mail receive करने के लिए use होता है. The last one जो है आपका ODMR, ये On Demand Mail Delivery Protocol, ये SMTP को variation है. SMTP is work only with the static IP address. While on the other hand, if you want to work with a dynamic IP address, then हम लोग वहाँ पे ODMR use कर सकते थे. We'll go through in detail. देखो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. SMTP इज रियली इंटेंडेड फॉर परमानेंट कनेक्शन टू द इंटरनेट. इट इज़ यूज बाय MTA. MTA स्टैंड्स फॉर मेल ट्रांसफर एजेंट फॉर सेंडिंग द मेल. MTA का काम होता है कि मेल को सेंड करना, तो ओनली सेंड करने के लिए हम SMTP यूज़ करते हैं. SMTP का जो पोर्ट नंबर है, इट इज़ 25 पोर्ट नंबर पे आपका SMTP वर्क होता है. SMTP इज यूज ओनली टू सेंड द मेल बट नॉट रिसीव द मेल. वेन वी सेंड डेटा थ्रू SMTP, इट इज डिवाइडेड टू टू सेक्शन. जब आप SMTP के थ्रू डेटा या मेल सेंड करते हो, दो सेक्शन में डिवाइड होता है. द फर्स्ट वन होता है आपका वहां पे एनवलप एंड द सेकंड वन इज अ बॉडी सेक्शन. एनवलप सेक्शन में क्या होता है, हम 2CC BCC जो भी लिखते हैं पूरा एनवलप सेक्शन में जाता है. एंड बॉडी सेक्शन में आपका एक्चुअल बॉडी कंटेंट, व्हाट इज द मैसेज, वो मैसेज जो होता है वो बॉडी सेक्शन में होता है. नाउ अभी यहाँ पे भी दो तरीके हैं सेंड करने के. फर्स्ट वन बाय यूजिंग मेल और रिले सर्वर, सेकंड वन डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हो. देखो पहला क्या है, द मेल कैन बी सेंड डायरेक्टली टू डेस्टिनेशन विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी. मींस यहाँ पे अगर आपका सेंडर है, सेंडर और रिसीवर के बीच में विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी आप डेटा सेंड कर सकते हो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर डेटा सेंडर ने सेंड किया लेकिन यहाँ पे बीच में पावर को कुछ प्रॉब्लम आ गया, इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर्स, तो पूरा कनेक्शन आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा और यू हैव टू रीसेंड अगेन डेटा. तो यहाँ पे कहीं पे बफरिंग टेक्निक नहीं है. ऑन दी अदर हैंड अगर आप सेकेंड टेक्निक देखोगे, इन सेकेंड टेक्निक द मेल सर्वर कैन सेंड डेटा टू रिले सर्वर, रिले सर्वर विच कैन बी देन सेंड मैसेज टू अ डेस्टिनेशन सर्वर. मीन्स यहाँ पे आपका सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, तो देर इज अ वन रिले सर्वर, एक इंटरमीडिएट रहता है. सो ऑल यूर डेटा विल बी गेट बफर हियर एंड वंस इट इज डेन बफर, देन फ्रॉम द रिले सर्वर इट इज डेन सेंड टू द रिसीवर. मीन्स अगर आपका पावर लॉस, पावर फेल्यूर भी हो जाता है, तो डेटा यहाँ पे बफर होता है और यहाँ से आप डेटा अगेन रिसेंड होता है, अगेन सेंडर को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती. सो द सेकेंड मेथड इज मोर एफिशियंट, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग द फर्स्ट मेथड देन डेटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर फेल्यूर और एनी प्रॉब्लम ऑकर्स. ऑन द अदर हैंड सेकेंड मेथड ऑल द डेटा इज बफर्ड ऑन द रिले सर्वर, दैट्स वाई पावर फेल्यूर ऑकर्स द डेटा इज सेव्ड ऑन द रिले सर्वर. मीन्स अगर पावर फेल्यूर हो जाता है तो डेटा आपका रिले सर्वर पर स्टोर्ड होता है वहाँ पर. Now, what are the features of SMTP? The first one, SMTP application level protocol. You know the networking ke jo aapke layer hai, that is a physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation and application. So, ye application layer protocol hai. It is a connection oriented protocol. Isme hame connection karna padta hai wahan pe. Text based protocol hai. It handles data between email over a TCP/IP network. Yahan pe bhi data jo hai, it is, as it is a connection oriented TCP/IP network yahan pe use kiya.
किया जाता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग ईमेल, एसएमटीपी आल्सो प्रोवाइड्स नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इनकमिंग मेल, कितने मेल्स आ रहे हैं, विच मेल्स आर पेंडिंग, तो हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है. सो दिस इज अबाउट एसएमटीपी प्रोटोकॉल. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, POP3. POP3 स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. इट इज यूज टू रिसीव द मेल ओनली, नॉट टू सेंड मेल. सेंडिंग के लिए एसएमटीपी यूज होता है, ये POP3 प्रोटोकॉल जस्ट रिसीव करने के लिए हम यूज करते हैं. सो POP3 प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड स्टैंडर्डाइज वे फॉर यूजर टू एक्सेस मेल बॉक्सेस एंड डाउनलोड द मैसेज टू देयर कंप्यूटर. When using POP3 protocol, all your email messages will be downloaded from the local mail server to your computer. हम लोग हमारे PC पे download कर सकते हैं. So what are the features of POP3? The first one is POP3 is a application layer internet standard protocol. As SMTP is a application layer, it is also application layer protocol. POP3 supports offline access to the message, thus it requires less internet usage time. Once you download your email to your local system, then there is no need internet to read that message. हमें अगर वो मेल रीड करना है तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती. एक बार आपने आपके लोकल सर्वर पे डाउनलोड कर दिया, यू कैन डायरेक्टली रीड इट. इन ऑर्डर टू एक्सेस मैसेज इट इज़ नेसेसरी टू डाउनलोड. ऑन द अदर हैंड यूजिंग POP3 जस्ट बाय लुकिंग हेडर सेक्शन वी कैन डिलीट द मैसेज. अगर मुझे कोई मैसेज मेल डाउनलोड नहीं करना है तो POP3 हमें अलाउ करता है कि बाय लुकिंग हेडर, भाई ये मेल मेरे को स्पैम मेल है, यू कैन डायरेक्टली डिलीट इट. सो नो नीड टू डाउनलोड द एंटायर मैसेज. POP3 allows downloading your emails from mail server to a local computer. The advantage is that once messages are downloaded, you disconnect the internet connection and read your mail. आप disconnect करके read कर सकते हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया था. Next आता है internet mail access protocol version 4. अभी POP3 का काम होता है mail receive कर दो, IMAP4 का भी काम है mail receive करना. So what is the difference? IMAP4 is a client server protocol. ये client and server protocol है. Okay, where email is received and held by you for your internet server. IMAP4 कहाँ पे use किया जाता है, जहाँ पे internet का speed slow है, small data transfer हो रहा है, वहाँ पे आप slow internet connection के ऊपर IMAP4 use कर सकते हो. इसमें सबसे पहले दिया है कि connected and disconnected mode of operation. नॉर्मली POP3 में कैसे होता है, वंस आपने मेल डाउनलोड कर दिया, आप इंटरनेट से क्या हो जाते हो, डिसकनेक्ट हो जाते हो. आपको अगेन दूसरा मेल डाउनलोड करना है, आपको अगेन रिकनेक्ट करना पड़ता है वहाँ पे. ओके, IMAP4 में ऐसा नहीं होता. IMAP4 में एक बार आप लॉग इन हो गए, यू कैन डायरेक्टली कनेक्टेड टू IMAP4 सर्वर. जब तक आप खुद डिसकनेक्ट नहीं होते, आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं करते, वो इंटरनेट वो मेल सर्वर से डिसकनेक्ट नहीं होता है. देखो यहाँ पे हमने लिखा है, इन POP3 प्रोटोकॉल क्लाइंट कनेक्ट टू द मेल सर्वर टिल दे डाउनलोड द मैसेज, बट IMAP4 क्लाइंट स्टे कनेक्टेड एज लॉन्ग एज द यूजर इंटरफेस इज एक्टिव. POP3 में कैसा था, आपने फाइल डाउनलोड कर दी, आप डिसकनेक्ट करके आपका फाइल रीड कर सकते थे. लेकिन IMAP4 में ऐसा नहीं होता, जब तक आप लॉग इन हो, आपका इंटरफेस एक्टिव है, तब तक वो IMAP4 से कनेक्टेड होता है. मल्टीपल क्लाइंट साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो सकते हैं एक ही मेल बॉक्स को. IMAP4 में पॉसिबल है कि आप सर्वर साइड पे डेटा सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक द ईमेल मैसेज स्टेट. अगर मेरा मेल नहीं पहुंचा है तो कहाँ पे ड्रॉप हुआ है, आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो. सो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ IMAP4 प्रोटोकॉल. ओके, नेक्स्ट वन इज ODMR. ODMR मैंने बताया था, ऑन डिमांड मेल रिले. बेसिकली ये SMTP कोई वेरिएशन है, बट SMTP इज वर्क फॉर स्टैटिक ईमेल एड्रेस एंड ODMR इज यूज फॉर डायनामिक ईमेल एड्रेस के लिए वर्क करता है. नेक्स्ट वन इज HTTP प्रोटोकॉल. HTTP इज द बेसिक प्रोटोकॉल यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन. आप कोई भी नेट से डेटा एक्सेस करना है थ्रू HTTP प्रोटोकॉल ही हम कर सकते हैं यहाँ पे. सो देखो, HTTP प्रोटोकॉल इज एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल फॉर कोलैबोरेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव हाइपरमीडिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम. इट इज़ द डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. HTTP इज अ TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू डिलीवर द डेटा लाइक इमेजेस, फाइल्स, क्वेरी रिजल्ट, HTML फाइल्स एक्सेट्रा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब विद द डिफॉल्ट पोर्ट TCP/80. ये इसका पोर्ट नंबर 80. अगर आपने देखा होगा तो हम लोग देखो जब भी कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे ऐसे दिखता है HTTP:// www. तो HTTP सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है, इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 पोर्ट नंबर पे ये काम करता है. विदाउट HTTP प्रोटोकॉल आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. सो व्हाट आर द HTTP प्रोटोकॉल, ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी टाइप का मीडिया आप थ्रू HTTP सेंड कर सकते हो. इट इज़ अ कनेक्शनलेस, नो नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, कनेक्शनलेस अप्रोच होता है यहाँ पे. स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. स्टेटलेस मीन्स इट कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द प्रीवियस रिक्वेस्ट. अगर मैं फर्स्ट पेज पे कोई चीज़ सिलेक्ट करता हूँ और देन सेकेंड पेज पे जाता हूँ, तो HTTP फर्स्ट पेज पे क्या सिलेक्ट किया था ये रिमेंबर नहीं रख पाता. तो इसको अगर मुझे रिमेंबर रखना है तो इसके लिए हम लोग कुकीज और सेशन ये चीज़ यूज़ करते हैं, जो हमने हमारे पहले वीडियो में देखा हुआ था.
नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमने जो देखे ये सारे प्रोटोकॉल्स देखे थे. नाउ अभी हमें देखना है कि हाउ टू सेंड ईमेल थ्रू पीएचपी. अगर मुझे पीएचपी के थ्रू मेल सेंड करना है तो कैसे सेंड कर सकते हैं. सो इन पीएचपी टू सेंड अ मेल हम लोग मेल फंक्शन यूज़ करते हैं, mail. मेल देखो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द मेल फंक्शन, आप यूज़ कर सकते हो. तो मेल फंक्शन में बेसिकली थ्री कंपलसरी पैरामीटर पास होते हैं. यहाँ पे ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स. अगर आपका मेल सक्सेसफुली सेंड होता है तो इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू ट्रू. इफ देर इज एनी प्रॉब्लम देन इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू फॉल्स. तो यहाँ पे देखो टू मीन्स जिसको सेंड करना है, सब्जेक्ट आपके ईमेल का सब्जेक्ट रहेगा, मैसेज आपका मैसेज रहेगा, और हेडर्स में फिर आप लोग यहाँ पे सीसी बीसीसी जो भी हमें डालना है हम यहाँ पे डाल सकते हैं. यहाँ पे तो दिस फंक्शन रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द मेल इज सेंट और नॉट सेंट. इसके लिए आपको आपके पीसी के एचटीटीपी की सेटिंग ऑन करनी पड़ती है. यहाँ पे विल हैव फॉर एग्जांपल, उससे पहले हम वर्ल्ड रैप एक फंक्शन देखते हैं. वर्ल्ड रैप फंक्शन का काम रैपिंग करना में सीखा, हम लोग लिमिट डाल देते हैं. सो वी कैन इंप्लीमेंट ए रेस्ट्रिक्शन ऑन मेल मैसेज सच एज एक लाइन में 50 कैरेक्टर होने चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे होना चाहिए. तो बाय यूजिंग वर्ल्ड रैप फंक्शन आप आपके लाइन में हाउ मेनी कैरेक्टर डिस्प्ले करने चाहिए आप बता सकते हो. यहाँ पे एक हमें एग्जांपल लेना है कि हमें देखो यहाँ पे मेल में टू में आप ईमेल एड्रेस डालोगे जिसको सेंड करना है, सब्जेक्ट डालोगे और कमेंट में बॉडी रहेगा मैसेज. जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा मेरा मेल सेंड होना चाहिए. यहाँ पे हमने HTML हेड टाइटल डिस्प्ले किया, फॉर्म एक्शन फॉर्म टैग लिखा, मेल डॉट PHP जहाँ पे मेरा PHP का कोड है, मेथड यू कैन यूज आइदर गेट एंड पोस्ट मेथड. हम लोगों ने एंटर टू, यहाँ पे टू टेक्स्ट फील्ड का जो नाम है आपको याद रखना है, पहले टेक्स्ट फील्ड का नाम हमने क्या लिखा है T1, सेकंड टेक्स्ट फील्ड का नाम T2 और तीसरा ये जो है टेक्स्ट एरिया जिसका नाम हमने क्या लिखा है यहाँ पे T3. व्हेन आई क्लिक्ड ऑन सेंड बटन, सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं ये पेज पे जाऊँगा. यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें जो चीज़ें मैंने वहाँ पे तीनों टेक्स्ट फील्ड में एक्सेस की तीनों वेरिएबल में मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया. चेक किया इफ मेल $2 सब्जेक्ट बॉडी, अगर ये रिटर्न ट्रू करता है, इफ में मैंने डाला इफ इट रिटर्न्स ट्रू देन ये गिव मैसेज मेल सेंड, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है देन द मैसेज इज मेल नॉट सेंड. सो दिस इज हाउ वी कैन सेंड मेल थ्रू PHP बाय यूजिंग मेल फंक्शन. आप डेटा सेंड कर सकते हो, बट टू रन दिस कोड यू नीड टू एनेबल योर HTTP सर्विस. आपको HTTP सर्विस एनेबल करनी पड़ेगी. ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे हाउ टू वैलिडेट द ईमेल, हाउ टू वेरीफाई द ईमेल. ओके, थैंक यू.